नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ सियानी शुक्ला। यूपी बॉर्डर पर आज किसानों को अपना समर्थन देने पहुंची पेरेंट्स एसोसिएशन की टीम। खबर गाजियाबाद से है, जहां सारे नेता व मंत्री किसान की आड़ में अपनी रोटी सेक रहे हैं, उनको खालिस्तान बोला जा रहा है। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी किसानों के समर्थन में सड़क पर उनके पक्ष में आकर उनको अपना पूरा समर्थन दे रही है और कह रही है कि वह रास्ता रोक के दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर बंद करके नहीं बैठे हुए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को बॉर्डर पर रोक रखा है। तो सरकार क्यों नहीं किसानों के बीच में आकर यहां सुनना चाहती है? कहां गए वह किसानों से किए गए वादे? गाजियाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। लोग आए हैं यहाँ पे, किस वजह से आए हैं? किसानों का आंदोलन चल रहा है पिछले 25 दिन से लगातार। हम गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन से सभी अभिभावक यहाँ किसानों के आंदोलन को समर्थन करने आए हैं और इस बात को आप सबके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो सरकार भी कह रही है किसानों के साथ कोई नहीं है और ये तो सड़क रोके बैठे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है। तो इस गाजीपुर बॉर्डर पर आकर हमने देखा कि किसानों ने ना तो कोई रास्ता रोका है, ना आम जनता को कोई परेशानी हो रही है, ना किसान किसी एम्बुलेंस को रोक रहे हैं, ना किसी को परेशान कर रहे हैं। किसान एक तरफ बैठे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जो रास्ते रोके हुए हैं वो गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक पुलिस प्रशासन ने ही रोके हैं। क्यों रोके हैं, किसके कहने पर रोके हैं, हम आप अच्छी तरह जानते हैं। और हमारा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि किसान सड़क पर बैठा है तो शहरी जनता किसान के साथ नहीं है, क्योंकि शहरी लोगों की रसोई किसान के खेत से चलती है, खाली मोल से नहीं चलती। सिर्फ एक छोटी सी बात, जो दाल मैं 100 रुपये किलो खरीदती हूँ उसके क्यों नहीं 90 रुपये किसान को मिल रहे? और अगर किसान ये मांग कर रहा है कि आप MSP को कानून बना दो तो क्या दिक्कत है, किसको परेशानी है, किसका नुकसान हो जाएगा MSP को कानून बनाने से? थोड़ा पुरानी बात याद दिलाना चाहती हूँ कि अब से 30-35 साल पहले सरकारों ने शिक्षा का निजीकरण कर दिया। शुरू में सबको बहुत अच्छा लगा कि बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, पॉलिश शूज पहनकर जा रहे हैं, गले में टाई लगा के जा रहे हैं और स्कूल मालिक भी घर घर हाथ जोड़कर कि अपने बच्चे को हमारे स्कूल में भेजिए घूमते थे। धीरे धीरे ऐसा वक्त आया कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब होती चली गई और निजी स्कूल मालिकों का सत्ता के गलियारों में बढ़ता चला गया रोल। और आज निजी स्कूल मालिकों की हालत ऐसी हो गई है कि एक आम हिंदुस्तानी को अपना बच्चा पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, चाहे वो नर्सरी में एडमिशन कराए और चाहे इंजीनियरिंग कराना चाहे। तो यही डर है कि आप खेती के क्षेत्र में निजी व्यापारियों को घुसने देंगे तो खेती किसानी का क्या हाल होगा। अभी मैं यहाँ आई तो एक किसान भाई ने मुझसे कहा कि अगर तीनों कानून इतने अच्छे हैं तो धान पिछले साल से सस्ता क्यों दिया। अभी मुजफ्फरनगर मेरी बात हुई तो मुझे वहाँ के किसान ने बताया कि मिल में मैं गन्ना उतार के आ गया हूँ और जो पर्ची जो मेरी मिलेगी, पेमेंट मिलेगा, वो 6 महीने से 3 साल तक लग जाएंगे। तो क्या ऐसा होता है? डिजिटल इंडिया में किसानों का पेमेंट क्यों नहीं कराया जा रहा? आप कह रहे हो हम किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं। अरे भाई, किसानों का करोड़ों रुपया जो मिल मालिकों पे बकाया है, क्यों नहीं उनको कहते कि पेमेंट करो इनका? क्या मिल मालिकों को नुकसान हो रहा है? धीरे धीरे क्या होगा कि वो कर्जा दिखा देंगे और उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा और किसान वहीं का वहीं मरा रह जाएगा। तो अभिभावक पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का सारा अभिभावक जो है।